জনাকীর্ণ এটা অঞ্চল, মাজত নানা পাটেকার। জনপ্রিয় অভিনেতাগৰাকীৰ সন্মুখেৰে এটি কিশোৰ পাৰ হৈ যাওঁতেই নানাই সোধালে এটা প্ৰচণ্ড স্বৰ। বিগত কিছুদিন ধৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছিল খঙাল নানাৰ এই অদ্ভুত আচৰণ। দীৰ্ঘদিন নীৰৱ হৈ থকাৰ পিছত এই ভিডিঅ'টোক লৈ অৱশেষত মুখ খুলিছে নানাই, কাৰণ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাত নানাৰ বিৰুদ্ধে গঢ় লৈ উঠিছে বেয়া ভাৱমূৰ্তি। নানা পাটেকাৰৰ দাবী এই সমগ্ৰ দৃশ্য আছিল ভুল বুজাবুজিৰ পৰিণতি, কাৰণ ঘটনাৰ সময়ত চলি আছিল এখন চিনেমাৰ শ্বুটিং। हमने एक रिहर्सल कर दी थी। एक पीछे से बंदा मुझे कहता है कि ए बूढ़ा, टोपी बेचनी है क्या? मैंने हैट पहनी हुई है। तो वो आता है तो मैं उसको पकड़ता हूँ, मारता हूँ और मैं कहता हूँ बदतमीजी बंद करो, तमीज से पेशा, ये तरीका नहीं है, और वो भाग जाता। अब एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी। डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो उन्होंने कहा शुरू करो नाना जी। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहां से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया है। तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी। मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहां से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। চিনেমাৰ জগতখনত কি যে ঘটি নাথাকে, শ্বুটিঙৰ সময়ত ভুল বুজাবুজিৰ ফলতে আচল অভিনয় শিল্পীক নামাৰি মাৰি পালে অন্য এক কিশোৰক। ৰিয়েল লাইফৰ স্ক্ৰিপ্টত থকা দৃশ্য এটাৰ ৰিয়েল লাইফত ঘটিল বেয়াকৈ প্ৰতিফলন। নানা পাটেকাৰৰ দাবী, বাস্তৱত হেনো তেওঁ কাৰো ওপৰত এনেকৈ হাত নুঠায়ে। और ऐसे हम करते नहीं, वहां हजारों फोटो खींचे भी हमने। यहाँ इतनी भीड़ रहती है वहां घाट पे, और यह तो मार्केट में सीन ये हो रहा था। अब ये गलती से हो गया, हमको मालूम नहीं वो कहां से आया, हमको हम अपना ही बंदा समझ के लिए किया है। तो अगर गलत फहमी कोई है तो माफ करो भाई, हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं। न्यूज डेस्क, न्यूज 18।